नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज का मेरा वीडियो है आम की गुठली से या आम की सीड से कैसे आम का पौधा तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं। आज ये मैंने दो आम के सीड्स लिए हैं, तो अब किसी चाकू की मदद से मैं इसका जो बाहर का हार्ड कवर है वो निकाल दूंगा और अंदर का सीड्स जो होता है वो निकाल देता हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। ये आप देखिए, इसको मैं उसमें लगा दूंगा। और ये दूसरा, इनको दो मैं अब एक पॉली बैग में लगा दूंगा। ये मैंने दो यूज्ड पॉली बैग का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि मैंने अपनी गार्डन की गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी, और इसमें मैं दोनों को, एक इसको एक ये वाले को, इसमें लगा देता हूँ। ये मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं और इनको ग्रो होने के लिए रख देते हैं। आफ्टर करीब 15 दिन के आसपास इनमें आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, तो फिर मैं आपको नया वीडियो अपडेट करके दूंगा। सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अमर कुमाऊँ गार्डनिंग टिप्स, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। ये मेरा आम की गुठली से उसका पौधा तैयार करने की विधि के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि मैंने पहले बीज को गुठली से अलग कर लिया था, गुठली से निकाल लिया था, और फिर उसको मैंने ये छोटे से पॉली बैग में मैंने लगा दिया था। और आज मेरे इन प्लांट को लगाए हुए 15 दिन हो गए हैं, तो इनमें ग्रोथ आप देख लीजिए, सारे प्लांट जनरेट हो चुके हैं। सभी प्लांटों में मेरा जनरेट आ चुकी है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ आई है इनमें, सारे प्लांट हो चुके हैं। इस तरह आप भी आम की गुठली से आम के पौधे तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।